वादी की एक लौती ट्रेन सर्विस को आज करीब 11 महीनों के बाद दोबारा बहाल किया गया है। रेलवे इंतजामिया ने फिलहाल जुज़वी तौर पर रेल खिदमात को बहाल किया है और आज दो ट्रेनें चली। पहली ट्रेन बारामूला से बानिहाल की जानिब चली, वहीं दूसरी ट्रेन बानिहाल से बारामूला की तरफ चली। ट्रेन बहाल होने से लोग काफी खुश नजर आए, वहीं उन्होंने कहा कि ट्रेन सर्विस बहाल होने से उन्हें काफी आसानी होगी। जब भी मैं आता जाता था तो ट्रेन से ही आता जाता था। मैं सोमो वाले 500 रुपये किराया ले रहे थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन शुरू हुआ और आज तो 20 रुपये किराया हमें, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे थे, इससे पहले जबकि ट्रेन सर्विस बंद थी बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता था, खासकर तुलबा को, लेकिन खासकर जो ट्रेन का मसला था ये हमारे लिए अहम था। जहाँ तक कश्मीर की ट्रेन का ताल्लुक है, ये बानिहाल तक जाती है क्योंकि बानिहाल से वहाँ हमें सीधी गाड़ी मिलती है जम्मू तक। 11 महीनों से कोविड की वजह से ये ट्रेन बंद की गई थी, बहुत सी मुश्किलात लोगों को उठानी पड़ती थी, इसलिए आज दोबारा बहाल की गई तो लोगों में भी बहुत खुशी है, मसरत हैं, और क्योंकि इसमें टाइम भी बचता है हमारा, और थोड़ा सा जो गरीब गुरबा हैं उनके पास बहुत ज़्यादा किराया नहीं, जो सोमो वाले लेते हैं गाड़ी वाले लेते हैं, एक तो टाइम भी बच रहा है। वजह है कि कोरोना वायरस की वजह से ट्रेन सर्विस को बंद किया गया था, लेकिन इसके बाद जब कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई तो इंतजामिया ने रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ फिजाई खिदमात को बहाल किया था, लेकिन आज तक रेल सर्विस बहाल नहीं की गई थी, जिसके बायस लोगों को सफर करने में काफी मुश्किलात दरपेश थी। लेकिन आज जब ट्रेन सर्विस बहाल हुई तो लोगों ने सुकून की सांस ली और इसका इस्तकबाल किया। ट्रेन बंद थी तो हमें बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जैसे कि मतलब अगर हम प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं या पब्लिक गाड़ी से टाइम बहुत लगता है, लेकिन ये ट्रेन की वजह से हम बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस मिनिमम टाइम में सक्सेस कर सकते हैं। इसलिए वी आर प्लीज टू गवर्नमेंट दैट ये जो ट्रेन बहाल हुई है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने सुना, कल न्यूज़ पे मैंने सुना कि ट्रेन सर्विस बहाल हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि एक तो हम कॉलेज अपने टाइम पे पहुँचेंगे। इससे पहले बहुत परेशानियाँ थी, बाई रोड आना पड़ता था या अपनी गाड़ी थी, मतलब कोई अपनी गाड़ी में होता था उसमें भी देखो, मतलब कितने खर्चे भी आते हैं, टाइम भी लगते हैं, ट्रैफिक जाम भी होता है, और मतलब आज ट्रेन मतलब स्टार्ट हुई है, बहुत अच्छा फील कर। आपको बता दें कि रेल खिदमात बंद रहने से रेलवे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन आज जब रेल खिदमात बहाल हुई तो इंतजामिया ने किराए को लगभग दोगुना किया है। अगर बात करें बानिहाल और बड़गाम के दरमियान किराए की तो पहले 25 रुपये के करीब किराया था, लेकिन आज ये किराया 50 रुपये कर दिया गया है। लोगों का इंतजार आखिर खत्म हुआ है। करीब 11 महीने के बाद वादी में रेल खिदमात को दोबारा बहाल किया गया है। इंतजामिया ने फिलहाल रेल खिदमात को जुज़वी तौर बहाल किया है और आज दो ट्रेनें चली, जो पहली ट्रेन है वो बारामूला से बानिहाल की जानिब चली और दूसरी ट्रेन बानिहाल से बारामूला की जानिब चली। लोगों से हमने बात की, वो काफ़ी खुश नज़र आए, उन्होंने इस इकदाम को खुश आइंद करार दिया। आबिद हुसैन, ETV भारत, बड़गाम।